सोमवार को मीरा रोड के हटकेश परिसर के इंडस्ट्रियल गालों पर बगैर किसी सूचना या नोटिस दिए तोड़े जाने से नाराज शिवसैनिकों ने इंडस्ट्रियल और गाला मालिकों के साथ मिलकर एमबीएमसी कमिश्नर बालाजी खदगांवकर से मुलाकात की। इस दौरान मनपा आयुक्त पर आरोप लगाते हुए शिवसैनिकों ने बताया कि वे भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के कहने पर एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना है शिवसैनिकों का। शिवसैनिक आए थे, वो जो हटकेश इंडस्ट्रीज, कलाश्री कंपाउंड की इंडस्ट्रीज और गावटन की इंडस्ट्रीज, वहाँ के जो लोगों की इंडस्ट्री तोड़ी थी वो लोग आए थे, उनके साथ शिवसैनिक आए थे। जो कल उन्होंने तोड़े हैं, हमारे आमदार सरनाईक साहब ने कमिश्नर साहब से बात की थी कि उन लोग को 7 दिन का टाइम दीजिए, वो उनको उनका जो शिफ्टिंग है, इंडस्ट्रीज है, मशीनरी निकालने को वक्त दीजिए। तो कमिश्नर साहब ने वो मान्य किया था, लेकिन यहाँ के जो एक दूसरे आमदार है उन्होंने अपना रेपो वेटो वापर के अधिकारियों से ये करके उन्होंने वो थोड़ा कार्रवाई फिर से चालू कर दी और ये अन्याय है। आज कोर्ट में शायद उन्होंने, कोर्ट ने भी 7 दिन का टाइम दिया है सबको, तो हमारी यही मांग है कि उनको पुनर्वसन किया जाए, उनको जो मुआवजा है वो दिया जाए, उनका नुकसान है क्या है वो करके उनको हटाया जाए। वो अचानक जो झोपड़पट्टी अनक्रोचमेंट अनधिकृत बांधकाम 24 घंटे में हटाते ऐसे नहीं ना, ये सब इलीगल इंडस्ट्री है, ग्राम पंचायत के वक्त से पासिंग हुई ली इंडस्ट्री है, उनके हजारों लोग वहाँ भी आज बेरोजगार होने वाले हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ वक्त देना चाहिए, ये हमारी मांग थी। डीपी प्लान तो पहले से बना हुआ है, ये डीपी प्लान के पहले से वो इंडस्ट्री भी पहले से है, लेकिन आज वहाँ जाने के लिए रास्ते के लिए डेवलपमेंट, आज साहब बोल रहे थे कि डीपी प्लान करने के लिए, लेकिन डीपी प्लान बन के 25 साल हो गए हैं, वो होके अभी नया डीपी प्लान आ गया है और आज इन लोग ये रास्ता बनाने के पीछे जा रहे हैं। इतने कोई इमरजेंसी थी नहीं ना जब 25 साल नहीं बनाए और 8 दिन तो रुक सकते हैं। नहीं, विकास काम का बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के घर पे या लोगों के इंडस्ट्री पे रोजी पे बुलडोजर चढ़ा के विकास करें। हमारा यही साफ कहना है कि यहाँ के बीजेपी के आमदार उनके दबाव में प्रशासन काम कर रही है और ये सब हो रहा है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के आमदार नरेंद्र मेहता रस्ते पर उतर कर खुद खड़े होकर क्यों थोड़ा कार्रवाई करवा रहे, क्यों गरीबों को रस्ते पे ला रहे, क्यों व्यापारियों को रस्ते पे ला रहे? वहां पर मशीनरी निकालने नहीं दी गई, लोगों के कामगार थे उनको चोट लग गए, खून आ गए, रक्त गए, पुलिस स्टेशन में केसेस हुए हैं। इतना बड़ा अन्यायपूर्ण जो कार्रवाई हुई है, इसका शिवसेना, हमारे सभी नेता, सारे कार्यकर्ता, पूरा मीरा भाईंदर शहर निषेध व्यक्त करता है। विकास करने का जो तरीका होता है, मैंने अभी जो बताया, महासभा का जो ठहराव है वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ, प्रोसीजर पूरा करके लोगों को पुनर्वसन की व्यवस्था कर देके, लोगों को मुआवजा देके अगर ये कार्रवाई होती तो लोग खुशी से ये कार्रवाई होने देते और उसमें सहयोग करते। लेकिन प्रताप सरनाईक जी आते हैं दोपहर में, वहाँ पे लोगों को प्रभाग अधिकारी के सामने, महानगर पालिका के अधिकारियों के सामने कहते हैं 7 दिन का वो टाइम देते हैं, उसके बाद दूसरा आमदार जो दूसरे क्षेत्र का है वो आता है और तुरंत वहाँ पर अधिकारियों से जबरदस्ती कार्रवाई कराता है। किसी भी प्रभाग अधिकारी पे या अतिक्रमण के जो अधिकारी है उनको आदेश देने का काम किसका है? ये आदेश देने का काम आयुक्त का है कि आमदार का है? आमदार आयुक्त को आदेश देगा, आमदार प्रभाग अधिकारी को आदेश देगा? ये कैसी हिटलर शाही चल रही है मीरा भाईंदर शहर में, और हम इस हिटलर शाही के खिलाफ है। हमने आयुक्त को भी ये निवेदन दिया है कि आयुक्त साहब, आप अपने अस्तित्व का, अपने स्वाभिमान का और अपने पावर का सही इस्तेमाल कीजिए और आदेश मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी, आदेश अगर किसी का सुनना चाहिए तो आयुक्त का, ना कि किसी आमदार का। जबकि हटकेश के इसी विवादास्पद कार्रवाई को लेकर मनपा आयुक्त ने तकनीकी जानकारी देते हुए ऑन रिकॉर्ड से बताया कि महापालिकेच्या वतीनं लोकांच्या रहदारीसाठी ज्या अडचणीच्या बाबी आहेत आणि शहरामध्ये रहदारीच्या ज्या काही मुख्य रस्ते आहेत जे मंजूर डीपी प्लॅनमध्ये आहेत आणि छोट्या छोट्या कारणासाठी ते रखडलेले आहेत, विकसित झालेल्या नाहीत, अशाला आम्ही विचारात घेऊन त्याचा एक मास्टर प्लॅन करून आम्ही तो काम करत आहोत। यामध्ये कुठलाही राजकीय इशू नाही आहे आणि कुणाही शेवटच्या माणसावर अन्याय व्हावा हा आमचा उद्देश नाही आहे। यामध्ये ज्यांचे घरं जात असतील तर त्यांना पर्याय व्यवस्था आम्ही करतो, व्यवसायाच्या ठिकाणी त्यांचं नुकसान होत असल्यास नियमानुसार, शासकीय नियमानुसार जे कम्पेन्सेशन देता येतं ते देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। त्याशिवाय
त्यांची काही पार्शियल जागा जात असेल तर राहिलेल्या जागेवर त्यांना त्यांचं रिडेव्हलपमेंटसाठी आम्ही त्यांना धोरण केलेलं आहे. तर शहरातल्या शेवटच्या माणसावर अन्याय न होता जास्तीत जास्त लोकांना ह्याचा समावेश करून लोकांना विचारात घेऊनच ही कारवाई यापुढे आम्ही करत आहोत. माझी आपल्या माध्यमातून मीरा बंदरवासियांना विनंती आहे की या कारवाईला आपण सहकार्य करा. सर एक ऐसा आरोप लगाया है इंडस्ट्रियल वालों ने कि उन्हें नोटिस नहीं दी गई, उन्हें मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी जगह खाली कर सके. दोन बाबी याच्यात महत्त्वाचे आहेत. डेव्हलपमेंट प्लॅन ज्यावेळेस शहराचा विकास आराखडा होतो ती फार मोठी कायदीय प्रणाली आहे. सुरुवातीला लँड यूज प्लॅन होतो, त्यानंतर इंटेन्शन डिक्लेअर प्लॅन होतो, त्याला महासभेची मान्यता असते, त्याचा गॅजेट होतो, त्याशिवाय लोकांना सजेशन ऑब्जेक्शनला मोठी संधी दिली जाते आणि लोकांचे सजेशन ऑब्जेक्शन आल्यावर टेक्निकल कमिटीच्या माध्यमातून स्टँडिंगचे सदस्य असतात, शासनाने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी असतात आणि टाउन प्लॅनिंगचे वरिष्ठ लोक त्या कमिटीत असतात. त्या तांत्रिक कमिटीमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलं जातं आणि एक समावेशक गोषवारा महासभेला दुबारा दिला जातो. महासभेमध्ये त्याच्यात दुबारा अंतिम निर्णय होतो आणि त्याचा सेकंड गॅजेट होतो. त्यानंतर हा डेव्हलपमेंट प्लॅन अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाला सबमिट होतो. राज्य शासनाकडे ह्याच्याकडे डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लॅनर, विभागीय टाउन प्लॅनर आणि राज्य लेवलचे डायरेक्टर यांचे अभिप्राय त्याच्यात घेतले जातात. राज्य शासनाच्या हाय पॉवर कमिटीमध्ये हे आराखडे अंतिम होतात आणि राज्य शासन त्याचा अंतिम गॅजेट मंजूर करतो. एवढ्या प्रणालीमध्ये ज्याच्यावर कुणावर अन्याय होत असेल तर त्यांनी त्या त्या स्टेजला त्याचं म्हणणं मांडलं पाहिजे आणि त्याचे हक्क त्यांनी साबूत करून घेतलं पाहिजे. आज एकदा डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर झाल्यानंतर आमच्यावर अन्याय होतो असं म्हणणं ह्याला काही अर्थ नाही. एकदा विकास आराखड्यामध्ये एखाद्या बाबीचा समावेश झाला तो कायदा झाला आणि त्याची अंमलबजावणी करणं हे महापालिकेचं कर्तव्य आहे. आणि जे नुकसान जे झालेलं आहे त्यांचं त्या संदर्भात पालिकातर्फे काय यांना करण्यात येणार? जे काही आमच्या नियमामध्ये तरतूद आहे त्याप्रमाणे त्यांना कंपेन्सेशन दिलं जाईल. येथे मनपा आयुक्त बालाजी खतगावकर जो बता रहे थे कि शहर के विकास कार्य में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. शहर का विकास हो, देश का विकास हो, ये नागरिकों को पसंद है और चाहते भी है. हम भी अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि शहर के विकास में सभी नागरिकों का सहयोग हो, उनकी सहमति हो और उनका समावेश भी हो. हालांकि ऐसे विकास कार्यों में काफ़ी अड़चनें और दुश्वारियां भी आती है. ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं है. शहर के विकास को लेकर मनपा आयुक्त बालाजी खतगावकर काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने पदभार संभाला है तब से उन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वे भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के काफ़ी करीबी है, उनके खास हैं. ऐसे में मनपा आयुक्त बालाजी खतगावकर को अपना स्वाभिमान और अपनी छवि साफ रखनी होगी, तब कहीं जाकर उन पर ये आरोप की झड़ी बंद होगी. मनपा आयुक्त बालाजी खतगावकर के अध्यक्ष में उनके नेतृत्व में हो रहे शहर का विकास कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा. आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. हमारे इस YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब करना न भूले. धन्यवाद.